My first question is that, like, so should we really follow our पैशन और लाइक पैशन कैन बी क्रिएटेड लाइक यू नो क्योंकि हमको कभी कभी माइंड से ही होता है कि लाइक like, मुझे यही करना है लाइक यू नो एंड हमको हर्ट से कभी कुछ और होता है कि लाइक यू नो लाइक मुझे अंदर से ये कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन हमको माइंड से हम, हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने माइंड से फिर हम तो लगता है कि यार ये बहुत कूल cool लग रहा है ये अच्छा लग रहा है तो हमको माइंड से लगता है कि यही करना है तो हम इसमें क्या फॉलो करें तो सबसे पहले तो ये जो आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना माइंड और हार्ट में इसमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अंदर जो भी आपके थॉट्स आते हैं वो सारे ब्रेन में ही आते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं ये थॉट कहां से आ रहा है आपके दिल से आ रहा है दिमाग से आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आप कहोगे यार ये क्या मतलब हुआ दिल क्या है और दिमाग क्या है उसको डिफाइन कैसे करोगे और दिल तो कुछ भी करता है दिल तो कभी दारू पीने का करता है कभी सिगरेट पीने का करता है दिल तो सारे उल्टे सीधे काम करने का करता है तो आइडियली आपको लाइफ में कभी भी अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए ये थॉट माइंड में लाना ही नहीं चाहिए कि मुझे दिल के हिसाब से चलना है यूज योर ब्रेन यूज थॉट

और अगर ये करता हूं तो दस साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी जो भी दस साल बाद जैसी लाइफ होगी वो किसके जैसी होगी जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं तो उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो अगर कहीं से आप उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं आपके फैमिली में फ्रेंड सर्कल में यहां से वहां से हो सकता है आपके फ्रेंड के कोई ब्रदर हो सिस्टर हो जो ऑलरेडी वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हैं तो उनसे बात करिए कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा ही होता है ये करने के बाद में दस साल बाद या कुछ और ही होता है तो एक तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या होता है उसके बाद में आपको क्या करना होगा छोटे से छोटे लेवल पर उसको प्रैक्टिकली करके देखना होगा जैसे आप एग्जांपल दोगे मेरे को दो पैशन कौन से हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वन इज लाइक फर्स्ट जनरेट मनी फ्रॉम लेट सी स्टॉक मार्केट लाइक देन पुट इन लाइक इन्वेस्ट समवेयर लाइक जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप और समथिंग लाइक दैट एंड अदर इज लाइक लाइक मे बी डूइंग सम जॉब यू नो जस्ट गवर्नमेंट जॉब और समथिंग लाइक दैट यू नो दीस आर लाइक टू डिफरेंट थिंग्स एंड पोल्स अपार्ट तो लिखो आराम से एक पेपर के ऊपर दोनों के बीच में एक लाइन खींचो दोनों के अपने प्लस माइनस देखो जैसे गवर्नमेंट जॉब के अपने प्लस माइनस है स्टॉक मार्केट के अपने प्लस माइनस है इनफैक्ट ये ये दोनों ही ही जो आपने बोले हैं ना अपने आप में बिल्कुल है <laughs> एक तरफ है रिस्क बहुत ही ज्यादा है जिसकी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा है और गवर्नमेंट जॉब में रिस्क कुछ भी नहीं है अगर हो गया तो और फ्लक्चुएशन ना के बराबर है तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है एक जगह आप कंट्रोल में रहोगे जहां पर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो वहां पर जो सही है वो भी आपका है गलत है वो भी आपका है प्रॉफिट भी आपका है लॉस भी आपका है गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो आपके हाथ में लिमिटेड कंट्रोल होगा क्योंकि ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा तो इस तरह से जब आप देखोगे तो हो सकता है अब आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी जैसे अभी मैंने जो भी बातें बोली उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी ऐसे ही अगर एक पेपर पेन लेकर के आप लिखोगे तब आप देखोगे कि अगले दस साल बाद बीस साल बाद मैं अपनी लाइफ को किस तरह से देखता हूं डू आई वॉन्ट टू मेक इट एन एडवेंचर तब तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एडवेंचरस फॉर दैट एडवेंचर क्या है कि आपने जीरो से शुरू किया और कुछ एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया या एक्चुअल में कुछ ऐसा किया जो राइट फ्रॉम जीरो टू वट जो भी जिस भी लेवल तक आप गए वो सब आपका थॉट था उसके अंदर और आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए तो वो एक अलग अप्रोच है एक अलग अप्रोच है तो आपको देखना होगा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या ज्यादा सूट करता है आपको जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को काम दे दो मेरे को दिमाग लगाने में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को बता दो बस मुझे क्या करना है दूसरा यह है कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है मुझे जो करना है मैं खुद करूंगा अगर आप ऐसे हो और फिर आप गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो फंस जाओगे क्योंकि तो वहां पर बैठ करके अगर आप ऊपर वालों को बताओगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है तो वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है एक मशीनरी है उस मशीनरी में से निकाल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो। वाई नॉट वाई नॉट मतलब देखो बहुत सारे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है मान लो कि मेरे को जो करना है अपने हिसाब से करना है बट कुछ ऐसी फैमिली कंडीशंस होती हैं कुछ ऐसी मजबूरियां होती है लाइफ में जहां पर आपके लिए प्रायोरिटीज कुछ और है वो है कि भाई अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना है उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है तब आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना ही पड़ेगा या ये कह लो फेक करना पड़ेगा अंदर से आप कुछ और हो बाहर से आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, सर। क्योंकि जहां आपने बोला नो सर वहीं गड़बड़ हो जाएगी तो आप समझ गए आप इधर से उधर तो जा सकते हो आप इधर से उधर जा सकते हो आप एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ अगर आपकी ये वाली पर्सनालिटी टाइप है तब भी बट अगर आपकी पर्सनालिटी है दिमाग ना लगाने की फिर आप बिजनेस में आ गए तो बुरी तरह से फंसोगे क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट यूजिंग योर थॉट प्रोसेस टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सो लाइक हम लाइक दोनों में से कोई भी एक चूज करते हैं बट एक में ऐसा सिक्योरिटी होता है कि लाइक like, चलो इसमें जॉब मिल जाएगी फिर विल बी सेट फॉर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और दूसरा ये जो आपका उसमें ऐसा है कि, like, आप कुछ, नहीं सकते है, कुछ भी हो सकता है दो तीन साल के लिए फर्स्ट फेल ही like, people, आपको बहुत लाइक इमोशनली साइकोलॉकल वो सब भी उसमें स्टॉक मार्केट में लाइक साइकोलॉजिकल आई 70% सेवेंटी परसेंट है और लाइक आई थिंग ट्रेडिंग एंड वो सब लाइक यू नाइक इसमें जरूरी नहीं है ये और हो, आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है बेचते रहेंगे, रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनाने के चांसेस बहुत कम है बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है जो वॉरेन बफे ने फॉलो करी या उनके जो गुरु थे बेंजामिन ग्राम उन्होंने फॉलो करी तो अगर आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ करके काम करते हैं तो उल्टा आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि तो एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिए कुछ स्टॉक्स तो आपको बार बार उसको खरीदना बेचना नहीं है बार बार देखना नहीं है कि अभी ऊपर चला गया अब नीचे चला गया ले करके भूल जाना है दस बीस साल के लिए हाँ बस ये देखते रहना है ब्रॉडली कि भाई कंपनी में कोई और मेजर इश्यू तो नहीं आ रहा है तो दैट इज लाइक पैसिव इन्वेस्टिंग दैट इज नॉट एक्टिव इन्वेस्टिंग तो अगर आप पैसे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो आप गवर्नमेंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं तो दोनों काम साथ में भी कर सकते हैं यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड और प्लस इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए जब पैसा कमाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे अब वो चाहे जॉब से कमाओ चाहे बिजनेस से कमाओ तो दोनों काम साथ में भी हो सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो डेफिनेटली आप बहुत सारी बुक्स एंड वो सब पढ़ते हो आई कैन टेल दैट लाइक एंड आई थिंक यू शुड आई मीन आई थिंक यू आर रीडिंग एवरी सिंगल राइट सो आप जो भी बुक्स रिसर्च वो सब पढ़ते हो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कैसे कर लाइक देर आर सो मेनी बुक्स वो कुछ और कहती है कुछ और कहती है एंड लाइक यू नो हम अपने क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते तो हम लाइक हमको एक नया परसपेक्टिव मिलता है और हमको पता नहीं कि ये सही है और ये ये गलत क्योंकि सब बुक्स अलग कहती है तो आप लाइक आप जब बुक्स पढ़ते हो तो आप लाइक कैसे लाइक समझते हो देखो बुक्स दो तरीके की होती है एक होती है कि जो एक्चुअल में किसी बंदे को उस फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसने वो बुक लिखी है उसका एक अलग लेवल होता है दूसरे तरह की बुक्स होती हैं जिसको खुद को कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में बट उसने उस फील्ड से रिलेटेड दस बुक्स उठाई उसमें से थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंट निकाला उसकी लैंग्वेज को चेंज किया ताकि कॉपरेट इश्यूज ना हो और लेकर के अपनी एक बुक निकाल दी आप उसको कह सकते हो सेकेंड हैंड नॉलेज हो गई एक तरीके से और जिस इंसान को एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है या लिख रहा है वो ओरिजिनल हो गया तो पहले तो आपको ये देखना है कि वो बुक आ कहां से रही है फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो साइकोलॉजी के ऊपर तो क्या वो पर्सन को एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी की फील्ड में क्या उसने प्रैक्टिस करी है क्योंकि फिर जो बहुत कुछ उस बुक में आएगा वो उसके एक्सपीरियंस से आएगा वो बताएगा कि मानो मैंने 25 साल पहले पीएचडी करी थी साइकोलॉजी में उसके बाद बात करी है, बताएगा आपको। तो वो एक अलग लेवल है। और एक जनरल साइकोलॉजी के ऊपर कोई कुछ बातें कर रहा है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना ही पैशन है बस कुछ भी लिख दिया है क्योंकि भाई बुक लिखने से क्या होता है रॉयल्टी मिलती है पैसा आता है इनकम है तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बुक लिखते हैं बस टाइटल इंटरेस्टिंग है अंदर आप पढ़ोगे तो सब कचरा है तो यू शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द टाइटल ऑफ द बुक और द द कवर ऑफ बुक बोलते भी है ना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर जैसे यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको मोटिवेशन के नाम पर या वैसे भी आपको बहुत वीडियो मिलेंगी अब उसमें से फाइनली आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचना है जहां पर एक्चुअल में उस कॉन्टेंट में दम है यानी किसी ऐसे पर्सन तक पहुंचना है जो भी वो बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है क्योंकि बहुत वीडियोस में तो सिर्फ आवाज होती है किसी की शक्ल भी नहीं दिख रही होती है हो सकता है उस वीडियो के पीछे कोई बच्चा हो जो खुद 18 साल का है आप बाईस साल के हो और उस बच्चे की एडवाइस ले रहे हो और बड़े खुश हो रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन है उसकी बातों से उसके बोलने के तरीके से अगर वो दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है फिर तो आप एक सेकंड में देख करके आइडिया लगा सकते हो बट अगर वो नहीं दिख रहा है सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पर है कि अगर एक्चुअल में आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो उसके पास में आंसर भी होगा या जो आंसर होगा वो एक्चुअल में कोई आंसर होगा या वो भी गूगल देवता के थ्रू आएगा आपने उससे क्वेश्चन पूछा उसने गूगल किया अच्छा ये था दिस 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 तो एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है तो ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट की बात करी तो अगर आप बेंजामिन ग्राम की बुक पढ़ते हो या वॉरेन बफेट की बुक पढ़ते हो तो उसमें दम है क्योंकि उन लोगों ने खुद कुछ किया है ना जिंदगी में बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके इतने साल तक 30-40 साल तक 50 साल तक ईयर ऑन ईयर 20% परसेंट की रिटर्न जनरेट करना मोर देन 20% परसेंट सी ए जी आर दाइक ऑन डिफरेंट लेवल ऑल टूगेदर तो उनसे सीखो ना बट स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आपको लाखों बुक्स मिल जाएंगी ऐसे लोगों की जिनको आपसे भी कम एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में बट right. उनका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है द शॉर्ट शॉर्ट वे टू डबल योर मनी विद इन वन ईयर अब आप कहोगे यार ये बड़ा सही बंदा है जो वॉरेन बफेट का तरीका है उसमें तो बहुत साल लगेंगे पूरी जिंदगी लग जाएगी इससे अच्छा है ये शॉर्टकट बढ़िया है ना एक साल में पैसे को डबल करो तो आप वो बुक खरीद लोगे पढ़ते रहोगे फिर जाकर के उन फंडों को अप्लाई करोगे फिर देखोगे जो पैसा था आपका वो भी सारा डूब गया फिर कहोगे यार ये क्या हो गया मैं तो फंस गया बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अंधा है वो अंधे को रास्ता दिखा रहा है mm -hmm. तो थोड़ा सा समझो कि वो नॉलेज कहां से आ रही है वॉट इज दोर्स ऑफ दैट नॉलेज वेदर इट इज बैड बाई एक्सपीरियंस या फिर इट इज ऑल थी जैसे आपने अपना दूसरा जो बात करी दैट इज गवर्नमेंट जॉब अगर आप मेरे से पूछते हो कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसको क्रैक करना है कैसे करूं तो हो सकता है मैं तो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ कर दूं मैं आपको बोल दूं ये कर लो वो कर लो वो कर लो लेकिन क्या मैंने कभी खुद उसको क्रैक किया है नहीं किया है तो गलती किसकी है जो आंसर दे रहा है उसकी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी है राइट right. तो यू मस्ट बी इंटेलिजेंट अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो और जिन लोगों से पूछ रहे हो वो सही क्वेश्चन है